Hello everyone, good morning. In today's video we are going to do computer chapter number 4, other parts of computer. In this chapter we will learn about printer. So printer allows a user to print items on the paper such as letters and pictures. तो प्रिंटर का क्या यूज़ होता है, प्रिंटर का क्या यूज़ होता है, प्रिंटर यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, कोई भी आइटम को पेपर पे प्रिंट करने के लिए, सच एज वो लेटर्स भी हो सकते हैं, वो न्यूमरल्स भी हो सकते हैं, वो पिक्चर्स भी हो सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं. मोस्टली प्रिंटर प्रिंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अ कंप्यूटर. प्रिंटर कब हम कब ईजिली प्रिंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. अगर वो कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो हम ईजिली कर सकते हैं प्रिंटर से कुछ भी प्रिंट. सो डियर किड्स, प्रिंटर का क्या यूज़ होता है, प्रिंटर का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को पेपर पे प्रिंट करना. फॉर एग्जांपल पिक्चर, लेटर, डॉक्यूमेंट और एनी अदर थिंग आप अगर प्रिंटर पे से प्रिंट कर रहे हैं पेपर पे, तो उसे कहा जाएगा प्रिंट डॉक्यूमेंट. ओके, प्रिंटर से कोई भी चीज़ प्रिंट होती है उसे हम प्रिंट डॉक्यूमेंट कहते हैं. नाउ यहाँ पर आपको कुछ प्रिंटर्स के बारे में बता रखा है, दैट इज़ डॉट मैट्रिक्स, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर एंड इंजेक्ट प्रिंटर. सो डियर किड्स, इन प्रिंटर्स के बारे में हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपको इनके बारे में नहीं पढ़ना है. नाउ लेट्स कम टू द स्पीकर्स. So this is a set of speakers. Speakers are used to listen to music or sounds from a computer. Speaker का क्या use होता है, speaker का use होता है कि वो listen करता है, यानी कि music या sound computer से हमें provide कराता है. जो भी sound computer से आती है वो speakers के ज़रिए हमारे तक पहुँचती है, तो इसे कहा जाता है speakers. Now here you can see, what is this? This is a web camera. ओके, नाउ इट इज़ यूज टू डिस्प्ले योर पिक्चर एंड शो यू ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. इसका क्या यूज़ होता है, ये आपकी पिक्चर को डिस्प्ले करता है, ठीक है, और उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता है. वेब कैमरे का यूज़ क्या होता है, आपकी फ़ोटो को डिस्प्ले करना, आपकी पिक्चर को डिस्प्ले करना और उसे कंप्यूटर पर दिखाना, तो दिस इज़ वेब कैमरा. नाउ दिस इज़ जॉयस्टिक. Here you can see joystick. Joystick का क्या use होता है, it is used to play games on the computer. अगर हम computer पर कोई भी game खेल सकते हैं easily with the help of joystick. So it is used to play games on the computer. Next is scanner. This is a scanner. It helps in copying words and pictures from paper and storing it is in the computer. इसका क्या work होता है, ये वर्क करता है, हेल्प करता है कोई भी वर्ड्स, कोई भी पिक्चर्स को पेपर से कॉपी करना और उसे कंप्यूटर में स्टोर कर लेना, ठीक है. कोई भी पिक्चर, फॉर एग्जांपल अगर हमें ये स्कैन करना है, हम इसको स्कैनर में डालेंगे, ये कॉपी हो जाएगा और ये कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगा, यानी आपका डाटा स्टोर करता है स्कैनर. ओके डियर किड्स, सो डियर किड्स आज हमने क्या पढ़ा, प्रिंटर के बारे में पढ़ा, स्पीकर के बारे में पढ़ा, वेब कैमरा, जॉयस्टिक एंड स्कैनर, 5 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है डियर किड्स. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर.